नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाणक्य नीति की 10 सबसे प्रमुख बातें। दोस्तों चाणक्य नीति क्या है? चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा एक रचना किया गया ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है। दोस्तों संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में इस ग्रंथ का एक बहुत ही विशेष स्थान है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय मानव के जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए व्यवहारिक शिक्षा देना है। ऐसे में आपको भी चाणक्य नीति की प्रमुख सीख जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसी चाणक्य नीति जो बहुत ही प्रमुख है, जो आपको जाननी चाहिए, वो आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, दोस्तों व्यक्ति को कभी भी अपने मन के राज, जो आपके मन में राज होते हैं, वो किसी को भी नहीं बताने चाहिए। उसे अपने राज मन में रखते हुए पूरी लगन से अपने कार्य को करना चाहिए। नंबर 2, जो मित्र आपके सामने आपकी प्रशंसा करे और पीठ पीछे आपकी निंदा करे, ये दोस्तों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त उस बर्तन के समान होते हैं जिसके ऊपर दूध लगा हो लेकिन अंदर बहुत ही जहर हो। नंबर 3, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन के समान है, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा नहीं दी है। ऐसे शिक्षा विहीन व्यक्ति समाज में कभी भी सम्मान नहीं पा सकता। नंबर 4, बचपन में संतान को शिक्षा दी जाती है, उसका विकास उसी प्रकार से होता है, इसलिए माता पिताजी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे, जिससे संतान के अच्छे गुण विकसित हो और उसमें चरित्र विकसित हो सके। नंबर 5, मनुष्य के रूप में जन्म लेना भाग्य होता है, इसलिए मनुष्य को वेद शास्त्रों का अध्ययन करने और दान जैसे अच्छे कार्य करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय जरूर लगाना चाहिए। 6, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की भलाई लोगों को साथ छोड़ देने में ही है। नंबर 7, कर्ज से दबा समय दुखी रहता है और उसका दुख वियोग के दुख और भाई बंधु से मिले अपमान के दुख के समान ही असहनीय होता है, इसलिए हमेशा दोस्तों कर्ज लेने से बचना चाहिए और बुरे वक्त के लिए अपने धन को बचा कर रखना चाहिए। नंबर 8, बच्चों को पहले 5 साल दुलार करना चाहिए, फर्स्ट के 5 साल उनको दुलार करना चाहिए, अगले 5 साल डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए, और जब बच्चा से 17 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। नंबर 9, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले जो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि तने वाले पेड़ों को कोई छूता नहीं है। यहाँ पेड़ के तने की तुलना व्यक्ति के स्वभाव से की गई है। नंबर 10, मित्रता बराबरी वाले लोगों में ही करना ही ठीक रहता है, और हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दोस्तों चाणक्य नीति की 10 प्रमुख बातें आप जान गए, इसलिए इतने अपने जीवन में मार्गदर्शक समझिए। दोस्तों तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, जरूर करें वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।